Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मित्रों मेरा नाम डॉक्टर परीक्षित सिरोही मैं वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक हूँ विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर हम आपके समक्ष साइबर अपराध कोर्स का ये इस विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं साइबर पोर्नोग्राफी के बारे में साइबर पोर्नोग्राफी के जो ये ये हमारी आज विषय हम ये जानेंगे कि ये समस्या जो है कितनी भयावह है कितनी बड़ी समस्या है इसको हम लाइटली नहीं ले सकते बिल्कुल आ, हमारे को कितनी ज़्यादा इसमें हानि क्षति की संभावना है हमारी पूरी की पूरी पीढ़ियाँ नष्ट हो सकती हैं बहुत जल्दी आ, जो कन्वेंशनल पोर्नोग्राफी थी देखिए हमने पूर्व में चर्चा की कि क्या साइबर क्राइम कोई नई चीज़ है या नए तरीके से किया जाने वाला पुराना क्राइम है या एक नया क्राइम है तो हमने देखा विशेषज्ञों की गाय बटी हुई आ, सी प्रतीत होती है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये नया क्राइम है कुछ लोग कहते हैं ये है तो पुराना ही क्राइम बट करने का तरीका बदल गया है सो तो मित्रों यहाँ पे साइबर पोर्नोग्राफी में जो इंटरनेट का माध्यम आ गया है इसके माध्यम से जो पहले होने वाली पोर्नोग्राफी में बहुत ही रैपिड बहुत ही तेज़ गति से इजाफा हुआ है आ, पहले केवल आप टेक्स्ट या पिक्चर्स ही पोर्नोग्राफी के रूप में आप दिखा सकते हैं पहले आप केवल जो है टेक्स्ट दिखाते थे पिक्चर्स को जो आप पहले दिखाते थे अब वो पिक्चर्स पूरी की पूरी मूविंग कैमराज स्टिल इमेजेस मूवीज फिल्म्स जैसी बन गई हैं आप लाइव uh, चैट के माध्यम से लोगों को जो है लाइव सेक्स जैसा अनुभव कराते हैं uh, बच्चों को लेके बहुत सारी चीज़ें अब शुरू हो गई हैं जो शर्मनाक हैं बिल्कुल पहले जो है अश्लील साहित्य को रोकने का बड़ा अच्छा तरीका होता था कि वो uh, उसको हम जो है uh, जब्त कर लिया करते थे जो भी मैगजीन है जो भी किताब है आ, अब ये इंटरनेट के ज़माने में जब्त करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि इंटरनेट पे जो डिसेमिनेशन है जो ये आ, इसको आगे बढ़ाने का काम है ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही तेज़ गति से हो सकता है आ, सो ये कुछ चैलेंजेस आते हैं जो विश्व भर में क्या क्या नियमन के प्रयास किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कैनेडा में क्या हुआ अमेरिका में क्या हुआ ब्रिटेन में क्या हुआ भारतवर्ष के कानून में क्या है भारत में अश्लीलता यानी कि ऑब्सीनिटी को नियंत्रित करने वाला जो हमारा ठोस कानून है वो आईपीसी का हमारा 292 सेक्शन है और भारतीय न्याय संहिता जो हमारा आया है 2023 दिसंबर में जो जुलाई 24 से प्रभावशील होगा उसमें जो है 294 में इसकी व्याख्या की गई है यही हमारा जो प्रबल कानून है ऑब्सीनिटी के विषय में ये है आ, जो धारा सड़सठ सिक्सटी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण इस पर रोक लगाता है धारा 67 ए है वो स्पष्ट रूप से यौन कृत्य अगर कोई कर रहा है ऐसी कोई सामग्री है इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करना या प्रसारित करना ट्रांसमिट करना या पब्लिश करना इस पर रोक लगाता है सज़ा का भी प्रावधान है और फाइन का भी प्रावधान है इसी तरह अगर हम देखें धारा 67 बी है ये बच्चों को स्पष्ट रूप से यौन कृत्यों में सम्मिलित करने वाले चित्र करने वाली जो सामग्री है इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप प्रकाशित करेंगे प्रसारित करेंगे इस पर रोक है इस पर फाइन है और सजा है तो ये एक ऑफेंस है ये थोड़ा इससे और अधिक सीरियस ऑफेंस है और ये उससे भी अधिक सीरियस ऑफेंस है तो मैं अगर ऐसे करके दिखा दूं तो और फिर हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे कि आगे इसको कैसे निपटने की आवश्यकता है मित्रों तो मित्रों अगर हम सबसे पहले देखें तो मानव का जो व्यवहार है देखिए लॉ सोसाइटी को इम्पैक्ट करना सोसाइटी को एक पर्टिकुलर तरीके से चलाने का एक प्रयास होता है आ, सोसाइटी भी लॉ को इम्पैक्ट करती है और लॉ भी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है दो मिनट हम थोड़ी सी इसकी परिचर्चा कर लें ये हमें आगे मदद करेगी सार्थक सिद्ध होगी लॉ के थ्रू कानून के थ्रू हम सोशल बिहेवियर को बदलने का प्रयास करते हैं उदाहरणतया पूर्व में सैकड़ों सदियों से जो मानव हैं वो शौच के लिए खुले में ही जाते रहे हैं तो जो है मानव खुले में ही शौच में जाते रहे हैं और अब हमने क्योंकि अब स्थितियां बदल गई हैं अब शहरों में गाँव में कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है अ, और ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई है शहरों में तो ये जो खुली फील्ड्स हैं जो खुले इलाके हैं जो खेत हैं ये कम होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण बीमारी महामारी का खतरा भी बढ़ जाता है तो अब हम जो है चाहते हैं कि लोगों को जो है टॉयलेट में ही जाके शौच के लिए जाएं तो हमने अभी इसको बदलने का प्रयास किया है कानून द्वारा लोगों को सेंसिटाइज भी किया है कि आप जो है ट्रेनों में जो है लॉन्ग डिस्टेंस बसेस में हमने जो है केमिकल टॉयलेट्स लगा ने का प्रयास किया ताकि जो वेस्ट मैटर है मल मूत्र है वो आके ट्रैक्स पे ना गिरे सड़क पे ना गिरे आ, तो मित्रों जो वैसा ही आ, प्रयास हो रहा है कि शहरों को और अधिक साफ करने के लिए कानून बन गए हैं ओडीएफ का कानून है ओपन डेफिकेशन फ्री शहर और गांव घोषित होने लगे हैं कि ये आप नहीं करेंगे इसमें सजा का फाइन का प्रावधान होने लगा ये कानून के तहत हम सोशल बिहेवियर को बदलने का प्रयास करते हैं वैसे ही सोसाइटी की अगर डिमांड होती है सोसाइटी की समय की मांग होती है तो नया कानून बनता है पुराने कानून को बदला जाता है जैसे कि डीपीडीपी एक्ट आया पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये भारत सरकार ने भारत की पार्लियामेंट ने दो के की अगस्त में इसको जो है अगस्त दो में इसको इम्प्लीमेंट किया माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए तो लोगों की मांग से कानून बना और कानून से लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ दोनों के ही मैंने उदाहरण दिए अब क्या है इंटरनेट या प्रौद्योगिकी में अगर आप इस क्षेत्र में मानव के व्यवहार को विनियमित करने का प्रयास करेंगे तो चाहे वो विधायी प्रयास हो यानी कि पार्लियामेंट का प्रयास हो चाहे वो न्यायिक प्रयास हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव का प्रयास हो चाहे वो जुडिशरी का प्रयास हो ये इसके प्रति सम्मान नहीं दिखाते इंटरनेट जो है एक अनार्किस्ट मीडियम है एक अनरेगुलेटेड मीडियम है तो ये इसकी अंतर्निहित क्षमता है कि वो इस तरह के प्रयासों को अधिक सम्मान नहीं देता है विज्ञान जो है मित्रों लगातार सीमाओं का विस्तार करता जा रहा है विज्ञान लगातार इन अपनी सीमाओं को चैलेंज करता जा रहा है और कानून हमारा सीमाओं को बनाए रखने के लिए नई सीमाओं को परिभाषित करने के लिए नई चीज़ें आ गई तो नई सीमाएं परिभाषित करने के लिए संघर्षरत है लगातार संघर्षरत है आ, मैं क्योंकि कानूनविद हूँ कानून का प्रोफेसर हूँ मैंने नए नए कानूनों को बनते देखा है बदलते देखा है जैसे पूर्व में आपको गाड़ी चलाते समय कोई पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था अब क्योंकि पोल्यूशन एक ऐसी समस्या बन गई है तो आपको पोल्यूशन का सर्ट, आ, सर्टिफिकेट चाहिए कि आपकी गाड़ी नियंत्रित मात्रा में ही प्रदूषण फैला रही है आ, पहले जो है आप एक ही गाड़ी को तीस साल भी रख सकते थे जब तक आपका दिल करे अब उस पर नियम बन गए हैं कि दस साल या पेट्रो पंद्रह साल ही रख सकते हैं चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो पंद्रह साल डीजल गाड़ी हो तो दस ही साल क्योंकि वो प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है पराली जलाने को लेके कानून बन गए हैं पहले ये नहीं थे सो so, नए कानून बनते हैं पुराने कानून में संशोधन होता है क्योंकि समय की मांग होती है केबल uh, टीवी आ गया तो नया कानून बनाना पड़ा केबल टीवी एक्ट मोबाइल फोन आ गए तो मोबाइल फोन के लिए नए कानून बनाने पड़ गए तो uh, इस तरह से जो है uh, विज्ञान लगातार uh, जो है uh, अपनी सीमाओं का विस्तार करने में लगा है आपके समक्ष ये जो कार्यक्रम आ रहा है ये इंटर इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है ये एक रिमोट लर्निंग का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है कि मैं एक स्टूडियो में बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं हमारे कैमरामैन जी अंकुर आप तक ये पहुंचा रहे हैं और आप अपने घर में बैठकर कुछ आशा करते हैं सीख रहे हैं सो so, इंटरनेट से लाभ उठाने के लिए बहुत कुछ है जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल डायग्नोसिस के क्षेत्र में जो है ई e कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने को है लेकिन एक ऐसी चीज आ गई है जो इंटरनेट द्वारा प्रदत्त की गई गुमनामी अनानिमिटी का फायदा उठाकर बहुत आगे बढ़ रही है वो है पोर्नोग्राफी मित्रों आ, लोग असल जिंदगी में चाहे संकोच कर जाएं, चाहे शर्मा जाएं, चाहे घबरा जाएं खुलेआम पॉर्नोग्राफी देखने में पॉर्नोग्राफी की बातें करने में बट इंटरनेट में क्योंकि पहचान गुप्त है आ, लोग जो है पहचान छुप छुपा रहे हैं एक मखोटा है एक घूंघट है आ, तो वो जो है खुलेआम व्यक्ति जो है आप देख कर चकित होंगे कि कैसी कैसी पोजिशन पर बैठे लोग आ, कैसी कैसी अश्लील साहित्य देख और पढ़ते हैं और uh... अमेरिका में इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत माना जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने जगह बहुत अच्छा है पोर्न का व्यवसाय बहुत बड़ा है पौन की कंपनीज हैं उनके शेयर्स हैं उनमें शेयर्स में ट्रेडिंग होती है मित्रों तो मित्रों ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं सबको अपने व्यापार का बोलने का अधिकार है बट दूसरा पहलू भी देखिए पोर्नोग्राफी देखने से जो बच्चे हैं जो यूथ हैं वो पूरा पूरा उनका भविष्य का सत्यानाश हो जाता है जो व्यक्ति इसमें यंग एज में देखने लगेगा या किसी और आ, युवा अवस्था में भी देखने लगेगा तो वो अपने घर परिवार शादी सभी चीजों का सत्यानाश करेगा इसमें कुछ आ, सीखने को नहीं है इसलिए अमेरिकी कोर्ट्स ने भी इसको लो वैल्यू स्पीच माना है लो वैल्यू स्पीच मतलब इसमें कुछ इस तरह की बात इस तरह की अभिव्यक्ति करने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है ये इस कैटेगरी में अमेरिकी कोर्ट्स ने भी इसको डाला हुआ है पोर्नोग्राफी को अम्म मित्रों मुसीबत यह है कि ये ये चीज़ें कई मामलों में बहुत सब्जेक्टिव हो जाती हैं बहुत व्यक्तिगत व्यक्ति व्यक्ति परक हो जाती हैं ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाती विवादास्पद यानी कि कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं हर जगह लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है देखिए भारतवर्ष एक कॉन्जर्वेटिव देश है यहाँ हम लोगों को नमस्कार करके सम्मान करते हैं उनसे मिलते हैं पाश्चात्य देशों में गले मिलकर भी शायद हो सकता है अरबी देशों में जो जहाँ पे पुरुष आपस में गले मिलेंगे बट महिलाओं के सामने भी नहीं आते सो so, पाश्चात्य देशों में गले मिलेंगे हो सकता है किस करके भी गले मिलें ऑपोजिट जेंडर के लोग फ्रांस वगैरह में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी खुले आप बट जो कुछ संस्कृति का भी कुछ असर पड़ता है कल्चर का भी कुछ असर पड़ता है तो इसलिए जो है सब्जेक्टिविटी काफ़ी आ जाती है आप किस माहौल से बड़े हुए हैं आप किस माहौल में पले बड़े हैं नैतिकता के मानक आ जाते हैं ना नैतिकता अगेन बहुत सब्जेक्टिव होती है जिसको मैं नैतिक मानू हो सकता है आप अनैतिक माने और वर्षा और शहर का फर्क आ जाता है गांव में हो सकता है लड़के लड़कियां आपस में बात ना करें शहर में वो सहपाठी हो जाते हैं सहकर्मी हो जाते हैं सो तो, सो तो ये इस तरह की कुछ चीजें आ जाती हैं और ये सारी जो पैरामीटर्स हैं ये भौगोलिक रूप से जोग्रफिकली रूप से जैसे मैंने उदाहरण दिया अलग हो जाते हैं ये सब चीजें अस्थाई हैं आज जो चीज इमोरल हो हो सकता है कल इम, कल इमोरल ना रहे और बाइस वर्षा जैसे आज मांग हो रही है कि सेम गोत्र में शादी करने की अनुमति ना हो हो सकता है किसी दिन कानून बदल जाए गांव में जितने भी लड़के लड़कियां वो सब बहन भाई हैं ऐसा माना जाता है तो उस, उस सोच के अनुसार जो है आ, सेम गोत्र में शादी ना करने को किसी दिन हो सकता है कानून बदल जाए आ, पर आ, जो है आज हम आ, जो है सेम जेंडर के व्यक्ति को अगर 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 कंसेंशुअल सेक्स है तो उसको गलत नहीं मानता हमारा कानून जो अननेचुरल ऑफेंस जो 377 सेवन में होता था वो नाज फाउंडेशन वाला निर्णय आने के बाद वो उसको गलत नहीं माना जाता अब उसको अगर वो कंसेंशुअल है तो वो ठीक माना जाए तो मित्रों मेरे कहने का मतलब है ये चीज़ें अस्थाई हैं भौगोलिक रूप से भिन्न है और अब ये देखिए ये मैं जब इस लेक्चर की तैयारी कर रहा था तो मैंने एक बहुत ही अच्छी लाइन पढ़ी ये देखिए जरा मैं आपको यहाँ रिप्रोड्यूस करूंगा अंग्रेजी में है ट्रांजिएंट मीडियम ऑफ द इंटरनेट इज इनफ टू मेक ड्राफ्ट्समैन डिस्पेयर लॉ मेकर्स लेमेंट एंड मजिस्ट्रेट्स मोन्ड मित्रों ये जो इंटरनेट है ये एक क्षणभंगुर मीडियम है और क्योंकि ये क्षणभंगुर है ट्रांजिएंट है ये जो 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 ड्राफ्ट्समैन है जिन्होंने कानून बनाया है जो कानूनविद हैं वो परेशान हो जाते हैं डिस्पेयर करने लगते हैं लॉ मेकर्स यानी कि जो पार्लियामेंट में बैठ के कानून पारित करते हैं वो लेमेंट करते हैं कहते हैं अब इसका क्या करें और जो मजिस्ट्रेट्स हैं जो जज साहब हैं वो शोक मनाते हैं मौन करते हैं देखिए कितना अच्छा बोला है ड्राफ्टमैन डिस्पेयर कि कुछ नहीं कर सकते लॉ मेकर्स लेमेंट कहते हैं हाय राम इसका क्या करें मजिस्ट्रेट्स uh, शोक मनाते हैं तो पोर्नोग्राफी मौलिक रूप से एक आपराधिक व्यवहार का कुछ नया रूप नहीं है मित्रों लेकिन इंटरनेट के आगमन से पोर्न के वितरण पोर्न के क्रिएशन दोनों को ही नए आयाम मिल गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रिएशन दोनों नए आयाम छू गए हैं पौन को क्रिएट करना और पौन को डिस्ट्रीब्यूट करना यानी वितरित करना मित्रों समस्या वाकई में बहुत ही भयावह है। कितनी भयाव है वो ये देखिए कि जो हम इंटरनेट पे होने वाले जो क्राइम हैं वो तीन प्रमुख श्रेणियों में उनको बांटा जाता है एक ऐसा अपराध जैसे हैकिंग है जो कंप्यूटर होना आवश्यक है।, है हैकिंग कंप्यूटर के बिना हो ही नहीं सकती कंप्यूटर आधारित अपराध ये इस श्रेणी का उत्कृष्ट उदाहरण है आ, ये कंप्यूटर में आप जाते हैं ऐसी कोई गतिविधि करते हैं जो कानून के द्वारा निषिद्ध है मना है तो पोर्नोग्राफी इस कैटेगरी में आती है मित्रों कानून के तहत पोर्नोग्राफी मना है मैंने आपको बताया 294 भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी का 292 में यह परिभाषित है यह मना है इंटरनेट पे जाके मित्रों कई देशों ने यहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस को भी लगाया है पोर्नोग्राफी के केस में कैसे इसपे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगा दी इन्होंने आपने अपनी क्रिमिनल लॉ की क्लास में आईपीसी की क्लास में अनलॉफुल असेंबली पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति एक जगह पे एकत्रित हुए हैं किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किसी ऐसे काम के लिए जो कानून द्वारा मना है अगर आप कानून द्वारा मना किसी कार्य के लिए आए हैं तो उस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली घोषित किया जा सकता है और अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लागू की जा सकती है मित्रों मित्रों जो कई कॉमनवेल्थ देश हैं उन्होंने पोर्नोग्राफी से थक हार के इस तरह की सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगाने भी प्रारंभ कर दिए हैं मित्रों कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें कंप्यूटर केवल इंसिडेंटल है आ, मान लीजिए कंप्यूटर का प्रयोग करके आपने कोई और व्हाइट कॉलर क्राइम कोई धोखाधोड़ी कर दी आ, तो मित्रों मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई कानून यहां लगता नहीं बट हमें यह देखना है कानून की कमी नहीं है बट हम कौन सा कानून लगाना चाहते हैं हमारे इंडियन पिनल कोड में भी एक प्रोविजन है तो इस 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 बात को लेके हमारे भा भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजन है जो इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करने वाला है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इसको क्या प्रोविज़न है वो हम आगे जाके देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई कानून नहीं है मित्रों हमें ये देखना है कि हमें कौन सा कानून लागू करना है जिसे हम प्रभावी ढंग से इस समस्या को रोक सकें क्योंकि इसमें जहर की तरह ये हमारी आने वाली जो जेनरेशन्स हैं उनको बर्बाद करने वाला है मित्रों क्या है मौजूदा कानून जितने भी हैं उनको इंटरनेट की दुनिया से इंटरनेट के आने के बाद से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो चुनौती उत्पन्न हो रही है चुनौती बुरी चीज़ नहीं है मित्रों लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कभी की पंक्तियों को आगे ले जाते हुए जो साइबर पॉइंट से उत्पन्न जो चुनौती है उससे निपटने के लिए दुनिया भर में नए अधिनियम नए लॉ पुराने लॉ को संशोधन करने के लिए एक लहर सी चल रही है मानो सभी जगह सभी देश सभी देशवासी अभी विगत दिनों में पढ़ रहा था बांग्लादेश के लॉ मेकर्स इससे परेशान हैं क्योंकि ये जो कुछ सेक्सुअली रिप्रेस्ड कंट्रीज हैं जैसे कि मुस्लिम देश जैसे कि हमारा देश जैसे कि ये, ये ये साउथ एशिया के देश ईरान इत्यादि देश ये बहुत सेक्सुअली रिप्रेस्ड है यहाँ पे ओपनली सेक्स के बारे में या ऑपोजिट जेंडर के लोगों से खुलेआम बातचीत का परिवेश नहीं है इसलिए ये सारे देश जो है पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा आगे हैं वैसे तो अमेरिका वगैरह वा, वा, देश भी हैं बट इन देशों में जो पॉर्नोग्राफी के जो टाइप्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं आ, मैं आपसे कभी वकालत नहीं करूँगा बट आ, आ, इतने सारे इंटरनेट रिले चैट्स आई चैट रूम्स हैं और उनमें रात को बारह बजे के बाद केवल इंडियंस ही मिलते हैं तो जाहिर सी बात है वहां क्या होता है मित्रों थोड़ी सी हम बात कर लें जो नुकसान की संभावना है देखिए टेक्नोलॉजी जो है आपकी कमर्शियल एक्टिविटी का पूरा पूरा आपको एक प्लेटफॉर्म देती है बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है मित्रों टेक्नोलॉजी आप जो है कोई भी व्यापार कोई भी बिजनेस आप दिल्ली में बैठ के एक छोटी सी गली में आपकी छोटी सी दुकान है वहाँ आप जो है पूरे देश में बेच सकते हैं अपना सामान अमेजोन का अगर आप विज्ञापन देखें तो वो यही कहता है जो है छोटी सी दुकान के जो है कहाँ कहाँ तो पहले उसकी पहुँच केवल दिल्ली के एक मोहल्ले में थी या जयपुर के एक मोहल्ले में थी अब पूरे देश तक पहुँच गई है और धीरे धीरे कई का, का, मामलों में एक बुक सेलर है जिनकी पहुँच जो है आ, देश के बाहर भी पहुँच गई है आ, ये ग्रीन पार्क में दिल्ली में बैठते हैं तो मित्रों ये कमर्शियल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है इंटरनेट बहुत ही अच्छी बात है और जो पोर्नोग्राफी करने वाले शख्स हैं पॉर्नोग्राफी का जो सेल और परचेज़ करते हैं इन्होंने कभी कहा ऐसी अपॉर्चुनिटीज से पीछे हटना सीखा इन्होंने तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को दोनों हाथ से पकड़ना सीखा है मित्रों बहुत सारा पॉर्न है जो बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है पहले सी डी रॉम हार्ड डिस्क के थ्रू होता था अब इंटरनेट के माध्यम से होने लगा इसके पहले उसको प्रिंट आउट करना पड़ता था उसके पहले जो है उसको किताबों के माध्यम से बेचा जाता था आ, ये डेबोन एयर और इस तरह की जो मैगजीन्स हैं पॉन्ड मैगजीन्स आती हैं पॉन्ड का व्यापार जो है बिजनेस जो है काफ़ी बड़े व्यापार में से है दुनिया भर में इनफैक्ट कहते हैं प्रॉस्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय है और पॉन्ड दुनिया के सबसे अधिक लाभप्राय यानी प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से एक है तो नए किस्म का पॉन बनाना इंटरनेट से बहुत आसान हो गया है ना केवल पिक्चर ना केवल फोटो ना केवल टेक्स्ट बट पूरी पूरी वीडियो क्लिप्स साउंड के साथ इमेज के साथ आपको आज के डेट में अवेलेबल हैं इंटरनेट के माध्यम से देखिए आप बैन कर दीजिए उसको बट लोग प्रॉक्सी सर्वर बना के पहुंच जाते हैं आ, बहुत सारे मेरे इंजीनियरिंग के छात्र मित्र हैं वो इसके नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं हमें भी बता देते हैं कि सर यहाँ से हो जाता है वहाँ से हो जाता है आ, अभी एक सर्वे किया गया था एक बहुत ही लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है उन्होंने आ, जो है देखा कि रात को उस इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में क्या देखा जा रहा है कौन सी साइड देखी जा रही है साठ से ज़्यादा परसेंट ट्रैफिक केवल पॉन साइड्स पे था सो तो इस तरह की भयावह संभावनाएँ नुकसान की हो रही है और ये ना केवल समय की बर्बादी है ये पूरे मस्तिष्क की बर्बादी है आ, तो देखिए क्या क्या नई चीज़ें शुरू हो गई हैं सेक्स चैट्स हैं इंटरनेट रिले चैट्स हैं इस पर इंटरएक्टिव लाइव सेक्स आ, आ, का आप आनंद ले सकते हैं एज इफ़ आप कुछ सेक्शुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और ऑडियो और वीडियो के माध्यम से वो दूसरे व्यक्ति तक पहुँच रही हैं और वो कुछ कर रहे हैं और वो आप तक पहुँच रही हैं इसके लिए हो सकता है ये फ्री हो हो सकता है आपको अधिकांश रूप से कुछ पैसे देने पड़े इसलिए मैंने ये शब्द का प्रयोग किया है सब्सक्राइबर जिसने पैसे दिए हों इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है सुविधा शब्द बोलने में बट है सर्विस इसलिए मैं ये सुविधा या सर्विस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मित्रों जो आपका यूज़र है ये सब कुछ अपने कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर बैठकर देख सकता है इसको सेव कर सकता है इसको डाउनलोड कर सकता है इसको आगे ट्रांसमिट कर सकता है इसके प्रिंटआउट ले सकता है इसको टेक्स्ट मैसेज के रूप में बना सकता है इसको आगे जैसे भेजना है वो भेज सकता है आप लोग सब किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित होंगे वहाँ पर आए दिन आपको इस तरह की चीज़ें आती होंगी मेरे मुझे बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है मेरे जो है स्कूल के ग्रुप में इस तरह की चीज़ें कई बार आ जाती हैं और मुझे उनको बताना पड़ता है कि देखिए आप जो है आईटी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं तो यदि आप किसी ऐसे ग्रुप में हैं आप ये याद रखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिनिस्ट्रेटर की लायबिलिटी बनती है तो कृपया करके अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं या तो अपने आप को वहाँ से अलग कर लीजिए या ग्रुप एडमिन मत बनिए आप दूसरों को तो नहीं रोक सकते केवल उनसे अपील कर सकते हैं बट ग्रुप एडमिन मत बनिए, क्योंकि अगर कल को कुछ तकलीफ हो गई तो ग्रुप एडमिन पे ही कार्रवाई होती है ये रिप्रोडक्शन जो है इन 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 ऐसे मटेरियल्स का रिप्रोडक्शन रोकना आगे प्रसार प्रचार रोकना काफ़ी टेढ़ी खीर होती है क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में ये मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है जिस स्पीड से ये फैलाया जा सकता है इंटरनेट के बारे में आपको पता है बहुत कम कॉस्ट पे नेग्लिजेबल कॉस्ट पर बहुत जल्दी बहुत सारा मटीरियल दुनिया के बहुत सारे कोनों में पहुँचाया जा सकता है जब सभी कुछ बहुत है तो ऑब्वियसली विकराल है। सो uh, so, uh, पहले पूर्ववर्ती समय में जो फॉरफीचर था जो मैगजीन थी उनको हम पकड़ लेते थे पुलिस जब्त कर लिया करती थी तो ये एक बहुत एफेक्टिव माध्यम हुआ करता था और अब ये यूजलेस हो गया है क्योंकि कॉपीइंग, बैकअप कॉपीज इस तरह की चीजें आ गई हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इंडिया टुडे मैगजीन है वो एक लोक प्रचलित मैगजीन है मान लीजिए पचास रुपए की आती है क्यों पचास रुपए की आती है आप, क्योंकि वो जो है उसको पढ़ने वाले बहुत अधिक मात्रा में है पर डेबोनेर मैगजीन होगी वो पाँच सौ रुपए की या हजार रुपए की आएगी क्यों पांच सौ या हजार रुपए की है क्योंकि उसको पढ़ने वाले लोग इंडिया टुडे के कंपेरिजन में इंडिया टुडे इज अ मेन स्ट्रीम मैगजीन एंड ये मेन स्ट्रीम मैगजीन है और ये पॉन मैगजीन है तो पॉन्ड मैगजीन ये देखिए मेन स्ट्रीम मैगजीन की कीमत पचास रुपए और पॉन्ड मैगजीन की पांच सौ या हजार रुपए होगी इसलिए क्योंकि इसको खरीदने वाले व्यक्ति कम हैं और खर्चा तो उतना ही है छापने का बल्कि हो सकता है ज्यादा हो क्योंकि इसमें पिक्चर्स हैं और क्वालिटी ऑफ पेपर शायद बेहतर हो इत्यादि इत्यादि आ, तो आ, ये वही वाली बात हुई जब मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले भारत में बहुत कम लोग थे तो आज से तीस साल पहले मोबाइल फोन के सोलह रुपये प्रति मिनट आप जाके इंटरनेट पे चेक सक, कर सकते हैं या जो व्यक्ति उस समय इंटरनेट का मोबाइल मोबाइल का प्रयोग करते थे नब्बे के दशक में चौरानबे पंचानवे छियानवे के समय तो आप देख लीजिएगा सोलह रुपये प्रति मिनट इनकमिंग का चार्ज होता था और आज जब मोबाइल यूज़र इतने अधिक हो गए हैं तो इनकमिंग भी फ्री आउट भी फ्री व्हाट्सएप कॉल भी फ्री डेटा भी फ्री सभी कुछ फ्री है आपको महीने के तीन सौ रुपए देने और आप पूरे दिन मोबाइल के मजे लीजिए पूरा देश ही मोबाइल में आजकल लगा हुआ है कुछ फायदे हैं, बट अनेक नुकसान है खैर मोबाइल की हम बात यहां नहीं कर रहे हैं पर सोलह रुपए मिनट के युग से अब हम जो है तीन सौ रुपए महीने के युग पे आ गए हैं तो देखिए कहाँ से कहाँ चला गया क्योंकि नंबर ऑफ़ यूज़र्स तो वैसे ही नंबर ऑफ़ यूज़र्स थैंक गॉड मेन स्ट्रीम मैगजीन के बहुत अधिक हैं और थैंक गॉड भगवान का शुक्र है कि ये जो पॉन्ड मैगजीन के बहुत कम हैं तो अगर आपने ये पॉन्ड मैगजीन मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 पॉन्ड मैगजीन हैं तो आपने जो है उसका सारी जब्त करके पचास हज़ार रुपये का या एक लाख रुपए का नुकसान कर दिया है तो ये काफ़ी कारगर सिद्ध होता था आ, लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है तो आप क्या जब्त करेंगे और क्या नुकसान करेंगे तो ये जो है इंटरनेट के जितने भी फायदे हैं ईजी टू यूज़ वाइड प्रेवलेंस मतलब ये ज़्यादा जा, मात्रा में प्रचलित है सभी जगह इंटरनेट एक्सेस है इंटरनेट यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं सारे देश में बढ़ते जा रहे हैं भारतवर्ष में इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले देशों में से एक है भारतवर्ष वर्तमान युग में इंटरनेट uh, बहुत आसान है प्रयोग करने के लिए इंटरनेट बहुत ही डेमोक्रेटिक है uh, सब अपनी इस पर बात कर, रख सकते हैं इंटरनेट पे uh, बोलने की आज़ादी है इंटरनेट पे परोनीमिटी है मतलब आप जो है अपनी uh, पहचान गुप्त रख सकते हैं ये सभी चीज़ें देखिए इजी टू यूज़ वाइड प्रेवलेंस डेमोक्रेटिक नेचर और अनोनीमिटी ये चारों चीज़ें जो हैं uh, ये इसका ये इससे किसका फ़ायदा हो रहा है ये पोर्नोग्राफर का फ़ायदा हो रहा है और वो खूब उठा रहा है मित्रों इस समस्या से ऐसा नहीं कि केवल भारतवर्ष परेशान है मित्रों इस समस्या से सभी परेशान हैं और विश्व के अनेक देशों ने अपने अपने स्तर पर कानून बनाए हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो फ्री स्पीच का चैंपियन है जो अपने उनके फर्स्ट कमांडमेंट में लिखा हुआ है कि स्पीच मस्ट बी फ्री कॉन्स्टिट्यूशन के उनके संविधान के उन्होंने 1996 में एक कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट बनाया और इसमें जो है

कोई माइनर किसी ऐसी पेटेंटली ऑफेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्सुअल और एक्सक्रीटरी एक्टिविटीज़ देखिए क्या कहा है उन्होंने सेक्सुअल और एक्सक्रीटरी एक्टिविटीज़ में सम्मिलित है तो आ, वो आ, इंटरनेट पे होने वाली या किसी और इंटरनेट आता है इंटरक्टिव कंप्यूटर सर्विस की परिभाषा में क्योंकि उन्होंने ब्रॉड बेस्ड परिभाषा की है उसमें इंटरनेट मोबाइल सभी तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो आ, उसको रोकना इसका इस एक्ट का प्रयास है यूएस का एक बहुत ही लिबरल संवैधानिक ढांचा है जहाँ तक कि हम बात करें फ्री स्पीच के बारे में फ्री स्पीच को फर्स्ट अमेंडमेंट से प्रोटेक्शन है और जो 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 इंडिसेंट स्पीच है जो इंडिसेंट स्पीच है उसको वो अलाउ करते हैं बट वो uh, जो है uh, जो उपसीन है उसको अलाउ नहीं करते हैं। जो वलगर है जो उपसीन है जो फूहड़ है उसको वो uh, अलाउ नहीं करते हैं बट जो इंडिसेंट है जो खराब है जैसे गाली गलोज करना इंडिसेंसी है इंडिसेंसी को वो बर्दाश्त करेंगे बट फूहड़पन को बर्दाश्त नहीं करेंगे उपसिनिटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे मित्रों आ, तो मित्रों ये जो एक्ट बना था कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट इन्होंने कोशिश की कि जो इंडिसेंट चीज़ है इंडिसेंट है खराब है उसको भी आ, मना कर दिया जाए बट ये कानून का ये जो पार्ट था कि इंडिसेंट स्पीच को भी प्रोहिबिट किया जाए मना किया जाए इसको अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नौ जजों की खंडपीठ ने जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है वो सारे नौ के नौ जज एक नौ ही जज होते हैं एक चीफ जस्टिस और आठ एसोसिएट जस्टिस जो उन सारे मिलकर ही केस सुनते हैं आ, इंडिया की तरह नहीं है कि आपकी पाँच जज की और तीन जज की दो जज की खंडपीठ बनेगी तो मित्रों आ, ये जो है इन्होंने इसको खारिज कर दिया ये जो केस का नाम है ए सी एल यू अमेरिकन सिविल राइट्स एसोसिएशन वर्सेस रेनो उन्नीस का वाद है क्योंकि ये एक्ट आया था उन्नीस में और इस एक्ट ने कोशिश की इस अधिनियम ने कोशिश की कि इंडिसेंट स्पीच को भी जो है ख़त्म कर दिया जाए पर सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं इंडिसेंट स्पीच अलाउड है फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत तो अमेरिका की समस्याएँ थोड़ी सी अधिक हैं उनका सामाजिक परिवेश थोड़ा सा अधिक है इसलिए मैंने बताया वहाँ भी लेकिन उन्होंने प्रयास किया है इस तरह का उस परिवेश में भी उस परिपेक्ष को भी ध्यान रखते हुए कनाडा की अगर हम बात कर लें उन्होंने आई हैक का गठन किया है इंफॉर्मेशन हाईवे एडवाइजरी काउंसिल इसको उन्नीस के दशक में देखिए नब्बे के दशक में बहुत कुछ बदला नब्बे के दशक में इंटरनेट एक बहुत बड़े मीडियम के रूप में उभरा भारतवर्ष में भी इंटरनेट उसी समय आया था नब्बे के दशक के पहले पार्ट में उसके पहले भारत के दशक में केवल आई जैसे संस्थान में ही इंटरनेट हुआ करता था बाकी आम उपयोग में इंटरनेट नहीं था आप में से जो लोग उस उस, उस उस दौर में रहे हैं तो आपको याद होगा कि उस जमाने में टी सी पी आई पी अकाउंट और शेल अकाउंट तरह के हुआ करते थे और द अनियन नाम की एक साइट हुआ करती थी इसका नाम अनियन इसलिए क्योंकि ये प्याज की तरह परत द परत खुलता था एनीवे anyway, तो नब्बे के दशक में ही सब देशों में कानून आने शुरू हुए मित्रों आ, आ, डायल अप इंटरनेट भारतवर्ष में आया था उस टाइम वो फोन के थ्रू मोडेम के थ्रू कनेक्शन हुआ करता था फिर उसके बाद ऑफकोर्स ब्रॉडबैंड और लीज लाइन और दुनिया जहाँ की चीजें आ गई और अब हम 5G और 6G और 7G की बात कर रहे हैं तो मित्रों ये जो एक एक, एक, एक इस इंफॉर्मेशन इन, हाईवे एडवाइजरी काउंसिल आई हैक का गठन हुआ इनका पर्पस ये था कि ऑफिशियल कि स्टेटमेंट लेके आएंगे अध्ययन करने के पश्चात कि किस तरह इंटरनेट को ले जाना चाहिए क्या इंटरनेट का प्रयोग होना चाहिए नहीं होना चाहिए आ, ये जो गाइडलाइंस आई आई हैक की उन्नीस में ये नेब्युलस है मतलब ये अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है बट इन्होंने दो चीज़ों पे बड़ा साफ कहा है कि इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे और वो दो चीज़ें क्या हैं मित्रों वो चीज़ें जो हैं वो वो दो चीजें हैं एक तो आपका ओपसिनिटी और एक है रेसिस्ट मटेरियल हेट मटेरियल क्योंकि कनाडा में रेसिज्म की समस्या है तो उन्होंने ये दोनों ही चीजों पे अपना जो है रुख साफ किया है यूके में एक उपसीन पब्लिकेशंस एक्ट आया न, बनाया गया उन्नीस में और उन्नीस में इसको ये उपसीन पब्लिकेशंस एक्ट बनाया गया मित्रों उन्नीस और उन्नीस में कोई इंटरनेट नहीं था तो इसलिए इसमें जो है कोई इसकी उल्लेख थी ही नहीं उन्नीस में एक नया कानून आया क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट और उसने जो है ये मटेरियल विच इज़ केपेबल ऑफ डिप्रेविंग एंड करप्टिंग ये वर्ड्स थोड़े से ध्यान से रखिए बिकॉज हमारे ही कानून में भी यही वर्ड्स हैं एक 160 पुराना साल पुराना निर्णय है हिकलिन वाला वो उसमें भी यही वर्ड्स हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत उदेशी में भी यही वर्ड्स का प्रयोग किया है साठ वर्ष पहले और आज भी हम इन्हीं वर्ड्स का प्रयोग करते हैं डिप्रेविंग एंड करप्टिंग आ, ये जो मटेरियल है एंड करप्टिंग करने की अगर उसकी क्षमता है तो ऐसे मटेरियल को रेगुलेट किया जाएगा मित्रों मित्रों अश्लीलता को नियंत्रित करने वाला भारतवर्ष का मूल कानून जो है वो सेक्शन 292 आईपीसी है जो भारतीय न्याय संहिता का धारा दो है इसने ये जो वर्ड उपीनिटी है ये अंग्रेजी कानून से उठाया है उपसीनेटी हमारे यहाँ हिंदी भाषा का तो शब्द है नहीं तो हिंदी भाषा में तो हम अश्लील कहते हैं हम फूहड़ कहते हैं हम ये वर्ड नहीं कहते हैं उपसिनटी नहीं कहते हैं अब ये जो है आ, ये ये एक केस था रेजिना वर्सेस हिकलिन रेजिना इज अ लैटिन वर्ड लैटिन भाषा का शब्द है और रेजिना का मतलब होता है क्वीन तो जैसे हमारे यहाँ होता है राज्य बनाम सोएसो वैसे ही वहाँ पे इटली में रेक्स और रेजिना होता है और इंग्लैंड में किंग और क्वीन होता है तो क्योंकि लैटिन शासन था इसलिए जो है रेजिना और रेक्स वर्ड यूज किए जाते थे रेक्स वर्सेस हिकलिन में क्वींस बेंच ने आ, उनको कहा गया कि आप ये एक पैम्पलेट है एक पत्र है जो आ, उसको एग्जामिन करिए और बताइए कि ये फूहड़ है या नहीं ये उपसीन है या नहीं और इस केस में ये टेस्ट ऑफ ऑप्सिनिटी डेवलप किया गया 160 बरस पहले आज से और इसमें ये देखा गया कि जो टेस्ट बनाया गया वो ये था कि क्या ऐसे मैटर में टेंडेंसी है इस 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 लेख में क्या ऐसी टेंडेंसी है कि ये डिप्रेव और करप्ट ये वही दोनों शब्द हैं जो मैंने आपको कहा था इनका बार बार उल्लेख आने वाला है ये जो व्यक्ति इसको पढ़ेंगे वो क्या डिप्रेव या करप्ट हो जाएंगे करप्ट का मतलब यहाँ भ्रष्ट नहीं है पैसे को लेके भ्रष्ट नहीं है हाँ बुद्धि को लेके भ्रष्ट है तो करप्ट या भ्रष्ट हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति जिनके दिमाग आ, ऐसे इमोरल इन्फ्लुएंसेस के प्रति सजग हैं देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भाग हो जाता है जो मैंने कहा जिनके दिमाग हुज माइंड आर ओपन टू सच इमोरल इन्फ्लुएंसेस कुछ व्यक्ति होंगे जो साधु संत प्रणाली के होंगे कुछ व्यक्ति होंगे जिनको फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज से वो इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं क्योंकि वो परिपक्व हो चुके हैं आ, मैं अपने आप को ऐसे लोगों में मानता हूँ मित्रों तो उनको अगर ऐसी चीज़ आप दिखा भी देंगे उनको खास फर्क नहीं पड़ने वाला है वो मच्योर हो चुके हैं सो तो ऐसे व्यक्ति जो अपरिपक्व हैं उनके दिमाग पर ऐसी चीज का असर पड़ना स्वाभाविक है वो डिप्रेव और करप्ट हो जाएंगे मटीरियल देख के तो वो मटीरियल उपसीन माना जाएगा ये टेस्ट बनाया गया था आज से 160 साल पहले देखिए प्रथम दृष्टि या फेसी ये ये टेस्ट गलत नहीं दिखता बट मेरा कहने का मतलब है 160 साल में दुनिया बहुत बदल गई है तो क्या इस टेस्ट को हमें विस्तृत करना चाहिए क्या इस टेस्ट को जो है हमें चेंज करना चाहिए थोड़ा सा इसमें सोचने का विषय है यही टेस्ट आज से 60 साल पहले यानी कि रेजिना वाले केस से 100 साल बाद रंजीत आर उदेशी वाले केस में उन्नीस में हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही टेस्ट लगाया अब रंजीत आर उदेशी का केस क्या था बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये जो वादी थे ये एक बुक सेलर फर्म के पार्टनर थे ये बुक सेलर फर्म बम्बई में एक इनकी किताबों की दुकान थी उस किताबों की दुकान में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब रखी थी लेडी चैटलीज लवर लेडी चैटलीज लवर नाम की एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी किताब थी और उस किताब को जो है आ, आ, पढ़ने के लिए उस किताब का जो भी आ, जो जो आ, लोग जो है कुछ लोग तो मिल ही जाएंगे समाज में जो विकृत प्रवृत्ति के हैं तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे भारत सरकार ने वो किताब बैन कर रखी थी राज्य सरकार ने वो किताब बैन कर रखी थी होती है बहुत सारी किताबें जैसे सलमान रश्दी जी की किताब है सैटेनिक ये भी भारतवर्ष में बैंड है क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इसका कंटेंट है सलमान रशदी जी की किताब इसी किताब की वजह से सलमान रशदी जी पे जानलेवा हमला भी किया गया पाश्चात्य देशों में सो so, इस केस में जो वादी थे वो कहते हैं हमारे खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई हो रही है हम तो किताब बेचते हैं हमें क्या पता किताब के अंदर क्या है तो कोर्ट कहती है नहीं किताब का लेखक किताब का प्रकाशक पब्लिशर और किताब को बेचने वाला तीनों ही लायबल होंगे तीनों की ही लायबिलिटी बनती है आप जो सामान बेचते हैं आप जो माल बेचते हैं उसमें आपकी जिम्मेदारी है ये यही खाद्य सुरक्षा कानून में होता है मान लीजिए आपने पैकेज दही बेच रहे हैं और वो दही पीछे से ही खराब है तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप वो बेच रहे हैं ठीक है थीके? आपकी हो सकता है जिम्मेदारी लेखक या प्रकाशक से कम हो बट आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो किताब खोल के नहीं देखी मैं तो अनपढ़ आदमी हूं मुझे नहीं पता मैं तो सैकड़ों किताबें बेचता हूँ नो खास तौर से जब वो किताब भारतवर्ष में बैंड है तो ये हमारे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम भी हिकलिन टेस्ट को ही फॉलो करेंगे और ये रंजीत उदेशी जी जो है ऐसी किताब बेच रहे थे ये किताब जो है उपसिनिटी की डेफिनेशन में आती है क्योंकि ये डिप्रेव और करप्ट करने की क्षमता रखती है उन लोगों को जो इस किताब को प्राप्त भी कर सकें और वो जो है ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुंस भी हो जाए मित्रों उपसीटी का जो नेचर है ये बदलता रहता है मैंने कहा ना 160 सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है दुनिया ने जो है 160 सालों में बहुत तरक्की कर ली है कुछ चीज़ें जो पहले उपसीन थी वो आज नहीं है और कुछ चीज़ें जो पहले नहीं उपसीन थी वो आज उपसीन हो गई हैं पहले जमाने में गाँव में बच्चे जो है बिना कपड़ों के घूमते रहते थे आज के ज़माने में बच्चे अगर बिना कपड़ों के अपने निचले भाग को एक्सपोज करेंगे पब्लिक में तो वो उन उनपे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी तो आ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले कुछ कहा कि अगर आज का युग होता तो कृष्ण भगवान को भी कानूनी कार्रवाई हो जाती ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था इन्होंने माखन की चोरी की उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाती तो ये चीजें जो है समय के साथ बदलती रहती हैं और हमें जो है बहुत अर्जेंट नीड है कोर्ट्स को अपने खुद के स्टैंडर्ड जो भारतीय परिवेश से मेल खाते हो बनाने की हिकलिन जो है देखिए अड़सठ का केस है तो एक जो जो अठारह में जो चीज थी उसको आपने फॉलो किया 1965 में और वही चीज आप फॉलो करना चाह रहे हैं 1924 में क्या ये तर्क संगत है क्या ये न्याय संगत है मैं आप पे छोड़ता हूँ मित्रों एक और केस आया ओमपाल सिंह हून वाला आ, ये आपने बैंडिट क्वीन मूवी के बारे में सुना होगा देखा होगा जो फूलन देवी जी के जीवन पे आधारित थी अपूलन देवी जी जो है संसद सदस्य बनी और मिर्ज़ापुर लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया लोकसभा में और वो जो है इसके पहले एक दस्यु सुंदरी डेकोइट भी थी सो तो वो डेकोइट कैसे बनी वो उनके जीवन में क्या हुआ उनकी पूरी जीवनी इस तरह से ये फिल्म थी अब देखिए पूलन देवी जी से आ, दूसरी जाति वाले लोगों ने जबरदस्ती की रेप किया और इसका प्रतिशोध लेने के लिए वो दस्यु सुंदरी डाकू बनी डकैत बनी तो ये सभी चीज़ें बताई गई दिखाई गई ये सभी चीज़ें सत्य हैं बट इसका जिस तरह से चित्रण किया गया जो जो ऑल दो इसको एडल्ट सर्टिफिकेट दिया था सेंसर बोर्ड ने बट फिर भी जिस तरह से इस मूवी का चित्रण किया गया कि जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट सीन दिखाए जो पूरी नग्न बैक दिखाई महिला की इसको भारतीय समाज में ठीक नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट ने फिर आ, कुछ अलग परिभाषा देने की कोशिश की है रंजीत उदेशी से अलग आ, मित्रों आ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी देखने वाले हैं आ, यंग लोग हैं आ, और हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो यंग नहीं हैं भारतवर्ष में पौन देखना पौन का पोजेशन रखना को एक दूसरे को बांटना चाहे आप पैसे लेके बात कर रहे हैं ये सभी चीजें भविष्य खराब हो सकता है मैं आपको, नहीं कर रहा आपको बस सलाह दे रहा हूं कि जितना हो सके इससे बचे मित्रों हम जो है हमारे कानून की धारा नंबर सड़सठ सड़ पे चलते हैं जो अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित पब्लिश या टेलीकास्ट करने के लिए सजा का प्रावधान देती है पहली बार करेंगे तो तीन साल की सजा और पांच लाख तक जुर्माना और उसके बाद करेंगे दूसरी या अन्य बार तो पाँच वर्ष की सज़ा और दस लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है मित्रों दस लाख मैक्सिमम अमाउंट है जुर्माने का जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रस्तावित करता है तो दस लाख के आगे कोई ऐसा जुर्माना नहीं है टेररिज्म के लिए भी इतना ही जुर्माना है साइबर टेररिज्म के लिए आ, मित्रों किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप फाइन कमा रहे हैं सरकार के लिए यह है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो प्रकाशित या प्रसारित या प्रचारित जो 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 सामग्री है उसमें कमी आए ये अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी सामग्री को प्रकाशित करता है जो 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 कामुक है कामोत्तेजक है लोगों को सेक्स के लिए उत्प्रेरित करती है प्रूरियंट है तो वो गलत है इसके लिए पनिशमेंट है ऐसा प्रभाव लाती है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति जो है करप्ट या डिप्रेव हो जाए जो प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सामग्री में निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने देखने सुनने की संभावना रखते हैं जो हिकलिन में कहा गया है हु मे ले देर हैंड्स ऑन सच मटीरियल जो ऐसी सामग्री को पढ़ने देखने या सुनने की संभावना रखते हैं जिनके मन पर इसका असर पड़ सकता है जो डिप्रेव या करप्ट हो सकते हैं जो सामग्री ऐसी हो जो कामोत्तेजक हो काम हो आपको सेक्स के लिए उत्प्रेरित करती हो बहुत सारे ऐसे रेप केसेस देखे गए हैं जिसमें जो जो रेपिस्ट है उसने कोर्ट को बताया पुलिस को बताया कि मैं बहुत ज्यादा पौंड देखता था इसकी वजह से मेरे दिमाग में मेरे मन में काम और तेजकता बहुत अधिक हो गई तो इससे केवल पतन के रस्ते हैं इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है फिर जो तो धारा सिक्सटी सेवन ए है धारा सड़सठ ए है वो और अधिक पनिशमेंट देती है ये ओरिजिनल आईटी एक्ट में नहीं था इसको बाद में इंसर्ट किया गया है क्योंकि देखा गया कि जो ओरिजिनल जो स्टैचू था सेक्शन 67 में वो ना काफी था जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट लोग दिखा रहे हैं जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट लोगों को सेक्स करते हुए दिखा रहे हैं इमेजेस दिखा रहे हैं जो महिलाओं का अश्लील चित्रण कर रहे हैं ऐसे अगर चित्रण आप पब्लिश करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे या या उनको जो है प्रसारित करेंगे प्रचारित करेंगे तो आपको जो है आ, या करवाएंगे तो आ, आपको पहली बार आ, आ, में जो है पाँच आ, साल की सजा दूसरी बार में सात साल की सजा और दोनों ही केस में फाइन मैक्सिमम दस लाख तक हो सकता है पाँच वर्ष पहली बार में और दूसरे में सात वर्ष तक मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है अगर आप आ, कुछ इस तरह का जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में कोई है और आप उसको आ, आ, प्रचारित कर रहे हैं या छाप रहे हैं इस तरह की चीज जो कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट को कर रहा है मित्रों सेक्शन 67 बी धारा सड़सठ बी पे अगर हम जाएं तो यौन स्पष्ट कार्य यानी कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कार्य को अगर बच्चों का चित्रण कर रहे हैं बच्चों बच्चे जो हैं वो भगवान की देन है उनका भविष्य देखना है आगे आ, बच्चों के बारे में इस तरीके अगर चीज़ बढ़े तो फिर भी शायद अपने आप को संभाल लें बट बच्चों को हमें अगर देखना है तो इसमें दंड का प्रावधान है यदि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से यौन स्पष्ट कार्य या आचरण में लगे हुए बच्चों को चित्रित करेगा ऐसी सामग्री को ट्रांसमिट करेगा पब्लिश करेगा प्रकाशित करेगा प्रसारित करेगा तो ये जो या करवाता है किसी और से तो ये कोई जो भी पाठ या चित्र या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप इसको दिखा रहे हैं या ब्राउज कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं या एडवर्टाइज कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं या आदान प्रदान कर रहे हैं या वितरित कर रहे हैं बच्चों को स्पष्ट कार्य के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं बच्चों को यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं बच्चों से यौन संबंध बनाने का प्रेरित कर रहे हैं कंप्यूटर का उपयोग करके आ, आ, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो अगर कोई भी व्यसक इसको देखे उसको शर्म आए वो अपमानित महसूस करे तो ये ओफेंस बनता है बच्चों को आप ऑनलाइन अब्यूज़ कर रहे हैं आ, बच्चों को आप शारीरिक शोषण कर रहे हैं आ, जो उनको अब्यूज़ कर रहे हैं आ, गाली दे रहे हैं आ, उनके व्यक्तित्व को गाली दे रहे हैं तो ये ओफेंस बनता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वयं या आ, किसी और तरीके से यौन स्पष्ट कार्य कर रहे हैं किसी और से करवा रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं इन सभी केसेस में ऑफेंस बनेगा मित्रों, और इसमें तो सात वर्ष तक जेल का प्रावधान है और दसवें दस, दस लाख तक के फाइन का प्रावधान है जुर्माने का प्रावधान है तो इनहेंस पनिशमेंट है सबसेक्ट ऑफेंस में यह ध्यान रखने वाली बात है ताकि ये के रूप में मित्रों काम करे व्यक्ति दूसरी बार ऐसा करने से और अधिक बार सोचे मित्रों एक प्रोवाइजो है जो एक्सेप्शन है जो जो कहता है कि अगर जो भी चीज़ हमने कही हुई है सेक्सुअली एक्सप्रेसिट वर्क सेक्सुअली या कोई और अन्य चीज़ अगर कोई कागज़ कोई लेखन कोई ड्राइंग या कोई रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक रूप से है तो अगर वो मैटर ऑफ जनरल कंसर्न है साहित्य विज्ञान कला या अध्ययन से संबंधित है ऐसी कोई भी पुस्तक पैम्फलेट कागज़ लेखन ड्राॅइंग चित्रकला अ, चित्रकला का निरूपण रिप्रेजेंटेशन या आकृति का प्रकाशन इस आधार पर न्यायोचित सिद्ध हो सकता है कि वो लोक कल्याण लोक कल्याण मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के हित में है पब्लिक के हित में है आ, या फिर वो जो है जनरल कंसर्न आ, सामान्य अध्ययन आदि विषय को लेकर है आ, ऐसी पुस्तक पैम्फलेट कागज लेखन पेंटिंग अगर कोई वास्तविक विरासत बोनाफाइड हेरिटेज या धार्मिक प्रायोजनों के लिए रखा है तो उसका उपयोग हो सकता है उदाहरण के लिए मित्रों खजुराहो में आप देखेंगे कि आ, वो ऐसे चित्र बने हुए हैं खजुराहो रॉक आर्ट का मैं उदाहरण दे रहा हूँ खजुराहो के अगर आप मंदिर देखेंगे तो वहाँ ऐसे चित्र बने हुए हैं जो आपको लगे कि वो इस पर तो पॉर्नोग्राफी का कानून लागू होना चाहिए बट क्योंकि वो हमारी हेरिटेज है बोनाफाइड हेरिटेज है इसलिए उस पर ये एक्सेप्शन इसी के तहत वो आता है मित्रों आ, अगर हम व्याख्या करें तो उसमें जो चाइल्ड की डेफिनेशन है जो आपने पहले देखा चाइल्ड ये सेक्शन 67 बी में धारा सड़सठ सड़ बी में तो चाइल्ड वो व्यक्ति है जो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति मित्रों हम अगर बात करें तो मैं आपसे अंत में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाद हुआ डॉक्टर प्रकाश बनाम तमिलनाडु राज्य और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय लिया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जो धारा सड़सठ है उसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं उसकी व्याख्या करते हैं तो हमें समकालीन समाज कंटेम्प्रेरी जो हमारा समाज है कंटेम्प्ररी सोसाइटी है उसके हितों को ध्यान में रखना है कंटेम्प्रेरी समाज क्या सोचता है वो ध्यान में रखना है कंटेम्प्रेरी समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक एक रूप से अश्लील सामग्री का जो व्यक्तियों के मन पर प्रभाव पड़ता है समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम कंटेप्री समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए उसको रोक सकते हैं ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर प्रकाश बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में 2002 में ही कह दिया था जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत नया था अपनी मित्रों दोनों ही बी भारतीय न्याय संहिता उसके पहले आईपीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम के अनुसार देश के भीतर जो व्यक्ति साइबर पॉन से जुड़ा है साइबर पॉन का व्यवसाय करता है साइबर पॉन देखता है साइबर पॉन जेनरेट करता है वो उसी तरह उत्तरदायी होगा जैसे कि बुक सेलर जैसे कि वीडियो लाइब्रेरी का मालिक अगर कोई व्यक्ति बुक सेलर में तो आपने रंजीत उदेशी का वाद देख लिया आ, अगर कोई वीडियो लाइब्रेरी का मालिक है और वो ब्लू फिल्म प्रचारित कर रहा है वो जो है आ, उसके पास कोई वीडियो कैसेट है जिसमें बहुत ही अश्लील फिल्म है आ, अगर वो किराए पर ऐसी फिल्म दे रहा है या बेच रहा है या कोई किताब बेचने वाला बुक सेलर ऐसी किताब बेच रहा है या किताब किराए पर दे रहा है ये भी लाइबल होते हैं अवैध सामग्री के लिए उसी तरह से बी भी यही कहता है टू में IPC कहता है 292 में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहता है 67 में सो uh, so ये हो गया आईटी एक्ट ये हो गया आईपीसी और ये हो गया बीएनएस यही कहता है कि इनकी जो लाइबिलिटी ठीक उसी मात्रा में हो ठीक उसी भांति होगी जैसे कि किसी बुक सेलर की या किसी वीडियो लाइब्रेरी मालिक की जो भी सामान वो बेचते या किराए पर देते हैं उसमें अगर कुछ अश्लील चीज निकलती है मित्रों साइबर पॉन की जो समस्या है ये बहुत ही विस्तृत प्रवृत्ति का दृष्टिकोण है बहुत ही विकृत प्रवृत्ति का दृष्टिकोण है और ये उसको ऐसी ऐसी सोच को हरा देती है कि हम केवल डायरेक्ट लॉ प्रत्यक्षवादी कानून से ही समस्या को सॉल्व कर सकते हैं ये क्योंकि अब इंटरनेट पे जूरिस्टिक्शन का इश्यू आता है तो हमें शायद बाकी देशों का कोऑपरेशन भी चाहिए और इसको हम डायरेक्ट या प्रत्यक्षवादी कानून से शायद इसको ना हटा पाएं इसको ना लड़ पाएं इंटरनेट के लिए सरकार जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंटरनेट पे ध्यान ना देके हमें इंटरनेट के शासन गवर्नेंस ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस ऑफ इंटरनेट की जो कंसेप्ट है की जो अवधारणा है उसको देखना महत्वपूर्ण तो है जो किसी एक एकल पद्धति को थोपने वाली संरचना आज शायद इंटरनेट पे साइबर पोर्नोग्राफी के के केस में ना चल पाए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्री स्पीच भाषण की स्वतंत्रता सर्वोपरि है मौलिक अधिकार है राइट टू प्राइवेसी में आता है राइट टू फ्री स्पीच जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट हमारी कई बार बोल चुकी है हमारे संविधान में उन्नीस वन ए में लिखा हुआ है हर देश में ये सर्वोपरि है जो फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट कि अमेरिकी राष्ट्रपति की 1941 की फोर फ्रीडम स्पीच में सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीडम है हमारे आर्टिकल 19 में सर्वोपरि है बट इन मापदंडों पे इन मानदंडों और इन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए भी हमें ये देखना होगा कि साइबर पॉन कितना खतरनाक है कुछ ही समय में मित्रों हमारी पूरी पीढ़ी को नष्ट कर सकता है सो so, मित्रों ये हमने कुछ आज परिचर्चा की है साइबर पॉन के विषय में और इसके खतरों के बारे में इसके बारे में हमने परिचर्चा की है आशा करते हैं आपने इस लेक्चर को इन्फॉर्मेटिव पाया होगा और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को अवश्य इसके बारे में बताइए कि साइबर पॉन के क्या खतरे हैं उनको भी प्रेरित कीजिए स्वयं प्रभा चैनल नंबर छब्बीस पर आकर विधि के अन्य जो एरियाज हैं उनके बारे में लॉ के अन्य एरियाज के बारे में जानकारी हासिल के लिए आ, अभी हम आपसे इजाजत लेते हैं आपसे पुनः मिलेंगे साइबर साइबर लॉ वाले वाले कोर्स में मॉड्यूल नंबर जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेट से जुड़े कुछ कॉपी और कुछ सॉफ्टवेयर से होने वाले क्राइम्स आ, के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे जो इस मॉड्यूल का अंतिम कोर्स होगा देखते रहिए स्वयं प्रभा धन्यवाद आपका दिन शुभ हो बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार